किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो मक्का की बुआई के बारे में है। तो जो मक्का की खेती कैसे करें, तो आज हमारे गांव में मक्का की खेती की बुआई की जा रही है, यानी कि मक्का की बुआई की जा रही है, और वो भी नई विधि से। पहली बार इस तरीके से मक्का की बुआई कर रहे हैं लाइन से, और प्रत्येक बीज को लाइन से और समान दूरी नाप कर उसकी बुआई कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको बीज के बारे में, किस बीज की अभी जो बुआई कर रहे हैं हमारे जो भाई सारे, तो किस बीज की बुआई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीज है DKC 9144, जो कि इस बीज की बुआई कर रहे हैं। अगर इस बीज के रेट की बात करें, कितने रुपए प्रति केजी है, ये 4 किलो का पैकेट है ये, और इसका वैसे प्रिंट रेट की बात करें तो ये है 1420 रुपये इसका प्रिंट रेट है। और ये किसान भाई हमारे जो लेके आए हैं दुकान से, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से इसकी बुआई की जा रही है। यहाँ पर जो बुआई चल रही है, यहाँ पर लाइन से बिल्कुल ही, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 2.5 फीट है, और बीज से बीज की जो दूरी है वो 6 इंच पर इसकी बुआई की जा रही है। आप देख सकते हैं अंदाज से, यहाँ पर ये देखिए। तो इस तरीके से बीज की बुआई की जा रही है यहाँ पर, और ये हमारा 7 बीघे का एरिया है जिसमें इस तरीके से ही मक्का की बुआई की जा रही है यहाँ पर। तो किसान भाइयों से पूछते हैं कि मैं कैसे इसकी बुआई कर रहे हैं पहली बार, और इस विधि से मैं क्यों कर रहे हैं इतनी दूरी पर, तो उनसे ही पूछते हैं अब। तो दोस्तों, ये देखिए, पूरा 2.5 फीट पर इसको गाड़ दिया, रस्सी को पूरी लाइन कर दी गई यहाँ पर, और अब इस लाइन के पर सीधे बीज की बुआई की जाएगी। तो मैं आपको उधर भी लेकर चलूँगा जहाँ पर हमारे सारे भाई लगे हुए हैं। तो दोस्तों, पूछते हैं इनसे, तो आप इस तरह से मक्का की बुआई क्यों कर रहे हैं लाइन से, तो बताइए सर। भाई मक्का की बुआई इसलिए कर रहे हैं भैया लाइन से, जी हमारे पास रूट रही है अपनी, जी हमें लड़ाई का पैसा बचेगा ना, हम इसे ना कि हम इसे हर चलवाएंगे इसमें, जी अपनी रूटरी निकाल देंगे इसमें। अच्छा, तो इसका जो एवरेज है वो कितने क्विंटल प्रति बीघा का है? दुकान वालों ने बताया भाई कि 4 क्विंटल प्रति बीघे का। अच्छा, 4 क्विंटल प्रति बीघे का। हाँ, तो इस तरीके से लाइन सर, और एक जो मक्की के जो पेड़ होगा उस पर कितनी कुकड़ी लगेंगे, मतलब भुट्टे लगेंगे, उसने उसने कितना बताया, बताया? उन्होंने दुकान वाले बताया हमें चार अच्छा, चार एक भुट्टे आएंगे, चार चार भुट्टे आएंगे उस पर, बराबर के। तो 4 बराबर के, तो 4.5 क्विंटल प्रति बीघे का इसका एवरेज बताया। तो दोस्तों, देख सकते हैं इन्होंने कहा 4.5 क्विंटल प्रति बीघे का एवरेज बताया यहाँ पर इसकी, और जो कि इस बार लाइन से बो रहे हैं, तो और पेड़ पर अच्छे से हवा भी लगेगी, अच्छे से ग्रोथ भी करेगा वो, और ज़्यादा से ज़्यादा भुट्टे आएंगे, और जो जितने भुट्टे आएंगे अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी बुआई चल रही है। तो दोस्तों, इसकी मैं जितनी भी वीडियो बनती रहेगी, यानी कि जितने समय पर ये बड़ा होता रहेगा, और जो जो इसमें दवाई दी जाएंगी, तो मैं पूरी वीडियो आपको समय समय पर देता रहूँगा और पूरी जानकारी इसके बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर, एक बार बीज दिखाना जरा हाथ में। तो दोस्तों, ये देखिए इस तरीके का बीज है यहाँ पर, ये बीज में दवाई लगी हुई है, बीज उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, फंगीसाइड पहले से ही दवाई लगी आती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए हैं मक्का की बुआई में, और यहाँ पर ये बच्चे एक एक बीज की बुआई कर रहे हैं, और जो ये भाई है ये समान समान दूरी पर बीज को डाल रहे हैं, और जो तीसरे नंबर के भाई हैं मैं इस बीज के ही कहीं ज़मीन में इसको दबा रहे हैं, उसके बाद उसके हल्की मिट्टी दे रहे हैं ताकि बीज अच्छे से ज़मीन में दब जाए। तो इस तरीके से इसकी बुआई की जा रही है, 6-7 जने लगे हुए हैं एक ही रस्सी लगाकर इसमें, और ये हमारे छोटे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो दोस्तों, इसी के साथ एक नई जानकारी और नई वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।